जय सेलो जानकारी चैनल है, फिर से सब लोग को स्वागत है। आज देखिए एसएलआरडी कोच में आया है, तो आज आप लोग को बताना है जो एसएलआरडी में जो एचयूजी ए एचयूजी बी कॉन्ट्रेक्टर जो होल्ड होता है, तो उसका सप्लाई कहाँ से आता है और कैसे इसका सर्किट कंप्लीट होता है, तो उसका बारे में आप लोग बात करेगा। तो आप लोग साथ में रहिए। तो अभी एसएलआरडी का ये पैनल काम खोल लेता है, की लेकर आया तो खोल ले रहा है। देखिए तो अभी देखिए फीडर हम काट लिया, क्योंकि इसमें कोई सेफ्टी वगैरह उतना नहीं है, इसलिए हम फीडर काट के सब काम कर रहे हैं। आप लोग भी वैसे ही करके काम कीजिएगा, क्योंकि इसमें डीएनडी नहीं होता है, ये काट के आपको सेफ्टी मिल जाएगा। तो अभी फीडर काटा हुआ है, आप लोग को हम ऐसे बता देगा लाइन सर्किट कैसे होता है सारा चीज का बारे में। तो देख लीजिए इसकी एचओजी, ये देखिए एचओजी ए, ये देखिए एचओजी बी, ये वाला एचओजी बी, ये इधर एचओजी है। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टर होल्ड होता है, देखिए A1 A2 में सप्लाई कैसे आता है, कहाँ से आता है, इसका भी A1 A2 में जो सप्लाई आया तो आया कहाँ से, कितना वोल्टेज आया, इसका बारे में बात करेगा। तो इसका बगल में देखिए जो एचओजी AT लिखा हुआ है, ये टाइमर है एचओजी A का, ये एचओजी BT जो B का टाइमर लगा हुआ है, इसमें सेटिंग होता है 1 से 2 सेकेंड। तो इसमें भी सप्लाई कहाँ से आता है, कितना वोल्ट, वो भी हम बात करेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो भी अच्छा से आपको मालूम चलेगा। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं, इधर देखिए बाएं तरफ हम लोग का ये देखिए जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देखिए जो बाएं तरफ हम लोग का ट्रांसफार्मर आप लोग देख सकता है। तो ये हुआ कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर, हम लोग का जैसे LSB कोच में होता है कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर, तो वो होता था 100 VA, ये लेकिन 100 VA नहीं, ये हुआ 500 VA ट्रांसफार्मर, 500 VA है, लेकिन आप लोग देख नहीं पाएगा। इसे देखिए नीचे से हम इसे दिखा रहा है, देख लीजिए NAC कंपनी का है, इसमें लिखा हुआ है 500 वोल्ट एम्पियर का। तो इसमें इनपुट प्लस आउटपुट फ्यूज है, तो ये इनपुट देखिए कहाँ से आता है, ये देखिए, ये देखिए आप लोग का इधर 4 फ्यूज दिखाई दे रहे हैं, ये 4 एम्पियर का है इनपुट फ्यूजेस, H2F13 और H2F14। ये देखिए ये आ रहा है HUG साइड से, ये सप्लाई 4 एम्पियर का है। उसके बगल में देखिए जो H2F13 है, आप देख सकते हैं H2F14 है, ये आ रहा है आपका कोच साइड से, ये चारों इनपुट फ्यूजेस ही 4 एम्पियर है, इसका सप्लाई आ रहा है इनपुट, मतलब 4 इनपुट है, जाएगा 2 इनपुट, जिस तरफ से सप्लाई आएगा तो सप्लाई कंट्रोल ट्रांसफार्मर इनपुट हो जाएगा, लेकिन इसका सप्लाई डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्टली कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचता है। तो कैसे जाता है, ये जो हम लोग का फ्यूज से ये सप्लाई आएगा डायरेक्टली हम लोग का, ये देखिए पैनल है, ये पैनल का बाहर में आप लोग देखिए जो हम लोग का, ये देखिए RA जो HUG है, RA HUG B जो सिलेक्टर स्विच है, जो 1 नंबर कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर है, तो कंट्रोलिंग 1 से यहाँ में आएगा। 2 नंबर का देखिए एक कंट्रोलिंग राइट साइड में लगा हुआ है, उसका बारे में बात करेगा। तो वहां से वो भी सप्लाई जाएगा, तो मेन इनपुट से सप्लाई यहाँ पर आएगा। तो देखिए RA मोड का बारे में दूसरा दिन हम वीडियो बनाएगा, क्योंकि ये एक साथ में जोड़ देने से आपको समझ में मुश्किल होगा थोड़ा। तो ये सप्लाई ये HUG में जैसे हम करेगा, HUG 1 नंबर पर देने से HUG हो जाएगा, 2 नंबर HUG। तो यहाँ में जो हम 4 इनपुट का बारे में बताया, ये जो फ्यूज है इनकमिंग, ये देखिए जो 13 है और 14 है, तो HUG से और ये फीडर का साइड से जो 13 नंबर और 14 नंबर, तो ये चारों सप्लाई आया। तो HUG जो ये लगा हुआ, ये देखिए RA HUG ये जो सिलेक्टर है, तो इसका हम टान के नहीं देखा पाएगा, क्योंकि ये थोड़ा अंदर का तरफ है, ये नीचे घुस गया। ये देखिए जो ब्लू, और ये देखिए ब्लू देख सकता है, येलो देख सकता है, इधर भी देखिए ये ब्लू है येलो है, क्योंकि ब्लू और येलो से ले लिया गया सप्लाई, रेड से नहीं। तो नीचे 2 इन हुआ, ऊपर में 2 नहीं हुआ, लेकिन आउट होने का टाइम में 2 आउट हुआ, इस तरफ देख पाएगा थोड़ा। देखिए बी में देख लीजिए, ये आउट 2 ही हुआ, 2 आउट हुआ, लेकिन ऊपर और नीचे 4 इन हुआ, आउट होने का 2 आउट हुआ। जैसे हम इसको ऑन करेगा HUG में, ये सप्लाई तभी ये ट्रांसफार्मर में 2 लाइन पहुंचेगा, देख लीजिए अच्छा से, ये हमें 2 सिंगल लाइन देख सकता है। तो ये सप्लाई डायरेक्टली ये हमारा ये HUG जैसे हम ऑन करेगा तभी ये 2 सप्लाई इनपुट फ्यूज से आ रहा है इस तरफ, जैसे हम HUG में रखेगा तब आउट होगा उधर, और RA मोड में भी रखेगा वो भी सप्लाई ये आउट होगा तो कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर में पहुंचेगा। और जैसे ही हमें सप्लाई पहुंचेगा 750 उसमें भी फ्यूज लगा हुआ है, ये 4 एम्पियर का है उसका ट्रांसफार्मर में, तो ये क्या करेगा ये फ्यूज वो कॉयल में कन्वर्ट कर देगा सप्लाई को, और
सप्लाई वो क्या करेगा, 750 वोल्ट से 415 में ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेट करेगा मतलब। तो ये भी 4 एम्पियर आउटपुट फ्यूज है, छोटा छोटा देख सकता है। ये 17 नंबर और 18 नंबर फ्यूज है, इसमें नंबर अच्छे से लिखा नहीं है। तो देखिए जो इसका जो आउटपुट फ्यूज से सप्लाई निकल रहा था, ये 17 नंबर और 18 नंबर, तो 17 नंबर येलो वाला और 18 नंबर ब्लू वाला। तो ब्लू वाला को पहले बता देता है, जो 18 नंबर फ्यूज से निकाला तार, ये वायर जा रहा है डायरेक्टली हम लोग का जो एचओजी ए कॉन्टेक्टर है, एचओजी ए कॉन्टेक्टर, ये देखिए बड़ा वाला जो एचओजी ए कॉन्टेक्टर। तो इसका ऊपर में देख सकेगा, ये ढका हुआ है सेफ्टी के लिए। तो इसका ऊपर में देखिए जो ब्लू वायर, दो डबल वायर है, तो डबल वायर ये देखिए, ये टू लिखा हुआ है, ये टू का अंदर में डबल वायर है, वहां से डायरेक्टली एक इन हुआ, यहां से फिर लूपिंग कर उठा के एक लाइन को डायरेक्टली हम लोग का जो टाइमर है एचओजी का ए का, एचओजी एटी लिखा हुआ है, तो इसका नीचे देख सकता है यही ब्लू वायर, वहां से लूपिंग उठा के डायरेक्टली इसका नीचे ए टू में घुसा दिया। आप लोग नहीं देख पाएगा वो अंदर में ए टू लिखा हुआ है कि नहीं, देखिए अच्छा से, तो ए टू में इसे डायरेक्ट हो गया। अभी देखा था इसका दूसरा लाइन को, तो देखिए जो 17 नंबर से ए आउट हो रहा है, ये कहा जा रहा है यह से जो सप्लाई आउट होगा, ये डायरेक्टली हम लोग का जाएगा, ये देखिए पैनल का है वो नीचे जो कन्वर्टर, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये देखिए कन्वर्टर, ये पैनल का ऑन ऑफ स्विच, ये देखिए रोटरी स्विच जो है, तो कन्वर्टर ऑन ऑफ स्विच में आएगा, इसे जैसे हम ऑन करेगा, ये देखिए सप्लाई है कन्वर्टर, ये ऑन ऑफ स्विच का, ये देखिए ये सप्लाई है, ये येलो ये वाला सप्लाई, ये वाला, यहाँ से जब हम आउट करेगा ये सप्लाई डायरेक्टली जाएगा हम लोग का जो कन्वर्टर एनाबल कॉन्टेक्टर जो है, वो कन्वर्टर ऑन होगा एच टू एच के वन, इसका एजेंसी में, इसका एनो में पहुंचेगा, ये देखिए एच टू एच के वन का इसका एनो में, ये वाला वायर को, यहाँ से ये लाइन जैसे होल्ड होगा मतलब नीचे से आएगा ऊपर से आउट होगा, एच टू एच का इसका ये आउट होने से सप्लाई जाएगा हम लोग का जो अर्थ लीकेज फीडर वन, अर्थ लीकेज रिले कॉन्टेक्टर है, ये जो 21 इसके एस टू के 21 इसका एनसी में जाएगा, ये देखिए एनसी वाला वायर, यही वाला वायर है ये लोग, इसका देखिए ये नीचे से आ रहा है ऊपर तरफ आउट हो रहा है एस टू एस के वन, यहाँ से आउट होगा सप्लाई, उसके बाद जाएगा हम लोग का जो डीजी इंटरलॉकिंग कॉन्टेक्टर एचओजी, तो एचओजी ए का होता है एस टू के 09 और एस टू के 01 ये बी का होता है, ये उल्टा होता है, एट का ए का नहीं है, ये 9 होता है ए का है, तो इसका देखिए ये भी इसका एनसी में ही जाता है सप्लाई, एनसी में आया सप्लाई, इससे ये सप्लाई आउट होगा, तो ये सप्लाई जाएगा नीचे की ओर, नीचे कहाँ पे जो एचओजी एटी जो हम लोग का टाइमर है, तो एचओजी का ए में डायरेक्टली इसका ए वन में घुस जाएगा, तो यह में दो तार देख सकेगा आप लोग, तो दो तार से एक तार यहाँ से लूप उठा के इसका देखिए अंदर में ये एनो में लगा दिया, एनो से ये इसका नीचे ये कॉन्टेक्टर जब होल्ड होगा तो यहाँ से ये लाइन पार होगा, नीचे वाला वायर देखिएगा, नीचे वाला एक वायर है यह आउट होगा, फिर देखिए ऊपर की तरफ एनो में एक लगा दिया, फिर ये होल्ड होने से मतलब एक ही तरफ ये सप्लाई आउट होगा, ये पॉइंट आउट होने से ऊपर वाला पॉइंट जैसे आउट होगा ये सप्लाई डायरेक्ट आप लोग का ये वन में पहुंच जाएगा। देखिए हम थोड़ा मीटर मार के आप लोग को यह सब देखा देते हैं, आपको कंटिन्यूटी मार के जैसे आपको पता चल जाएगा ये सप्लाई कैसे आ रहा है। तो देखिए हम कंटिन्यू में ले लिया, ये लेने के बाद देखिए हमें सप्लाई यह से मारेगा, देखिए ये देखिए एनसी है एच टू के 09 का कॉन्टेक्टर, ये देखिए साउंड सुनाई दे रहा है इसका एनसी से, ये आउट हो रहा है 21 नंबर से, ये जा रहा है के जीरो इसका 9 में, हम देखा दिया आपको, यह ये एनसी है, एनसी से आउट होने के बाद ये देखिए नीचे नीचे जी एटी जो ए वन है, ए वन में देखिए साउंड हो रहा है, देखा ये साउंड बज रहा है, तो फिर देखिए यही सप्लाई अभी लूपिंग है, तो यहाँ से लूप उठा के इसमें दे दिया, ये देखिए साउंड हो रहा है, ये फिर ये सप्लाई जैसे ये होल्ड होगा, मैं इसे पूछ करके आपको दिखा रहा है, नीचे वाला तभी पार होगा, ये अभी ऑफ कंडीशन में नहीं मिलेगा, नीचे नहीं मिल रहा है, जैसे पूछ करके तभी मिलेगा, देखिए पुश नहीं हो रहा है, ये देखिए साउंड पुश कर दिया ऊपर, ये देखिए पुश कर दिया उंगली से मिल रहा है, फिर देखिए ये इसका ऊपर वाला ये सप्लाई, इसको देखिए ये कंटिन्यूटी लगा रहा है, ये देखिए नीचे से ऊपर की ओर, ये देखिए सब कंटिन्यूटी बज रहा है, तो ये सप्लाई फिर देखिए ऊपर से हम मार रहा है,
ये देखिए HUG E1 में, HUG E1 में ये देखिए, इसका E1 में हम मार दे रहे हैं। ये देखिए सप्लाई डायरेक्ट कैसे मिल रहा है, तो ऐसे सप्लाई पहुंचता है E1। तो ये 415 वोल्ट में ही होल्ड होता है, वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर से आया सप्लाई। फिर देखिए इसका बी काम बता देता है, तो ये काम धीरे धीरे बताया, इसका बी का जल्दी बता देगा बिना क्वांटिटी मारे हुए, क्योंकि नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए जो बी का है, ये देखिए राइट साइड में जो नीचे की ओर आप देख सकेगा, ये जो फ्यूज आप लोग देख रहा है, जो है लंबा लंबा जो फ्यूज दिख रहा है, ये भी 4 एम्पियर का होता है, जो 15 और 16 नंबर ये HUG साइड का होता है, और जो 15 है और 16 है ये कोच साइड से होता है, ये चारों इनपुट फ्यूजेस है, तो यही सप्लाई ये आउट हो जाता है। ये क्या होगा, ये ऐसे आउट होगा तो ये सप्लाई हम लोग का जाएगा नीचे, देखा है बी का, जो हम लोग का RAHB जो HUG B, ये इस लीटर में जाएगा 4 वायर। इसका ये इनपुट इधर है, क्योंकि नीचे की नहीं देख पाया, ये देखिए जो ब्लू और येलो है, ऊपर की ओर 2 नीचे 2 है, तो ये ऐसे 4 वायर जब आउट होगा इसे 2 ही सप्लाई मिलेगा उसमें, क्योंकि फीडर HUG मिलेगा तो 2 ही में फ्यूज में सप्लाई आएगा। ये ऐसे 2 में जब नीचे सप्लाई मिलेगा तो आउट होने के टाइम में ये 2 आउट होगा, तो अब ये सप्लाई दोनों जब आउट होगा यहाँ से हम जैसे कंट्रोल करेगा तो अभी ये सप्लाई पहुंचेगा हम लोग का कंट्रोलिंग ट्रांसफार्मर में। ये देखिए 2 आया, ये आउट होने के बाद मिलेगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा ये कंट्रोलिंग, जैसे हम HUG में ये करेगा भाई RA मोड में, तो अभी ये सप्लाई हमें आएगा। ये आने के बाद 750 होल्ड होगा, ये फ्यूज है, ये नीचे की ओर जो फ्यूज देख रहा है ये सब सप्लाई लिया है येलो और ब्लू से, ये भी 4 एम्पियर का है, ये ऊपर की ओर देख सकते हैं, ये भी सब 4 एम्पियर आउटपुट फ्यूज और इनपुट। ये कॉइल में जा रहा है, कॉइल से जो आउट हो रहा है ये 415 बना के भेज रहा है, तो ये जो येलो वायर इसका, ये ब्लू वायर जो निकल रहा है, तो इसका 20 नंबर है, ये 20 नंबर फ्यूज नंबर है, तो यह से जो आउट होगा जो ब्लू, ये ब्लू आउट होने के बाद डायरेक्ट जाएगा हम लोग का जो HUG B का। ये देखिए ये 2 है HUG का B, ये A2 का ऊपर में 2 वायर देखा देख रहा है, इसका ऊपर में 2 वायर है, तो यह से फिर लूपिंग उठा के एक वायर को ये HUG BT जो है उसका नीचे की ओर, ये देखिए नीचे की ओर, ये देखिए सप्लाई, इसका नीचे A2 लिखा हुआ, अंदर में दिखा नहीं पाएगा, तो इसका A2 में डायरेक्ट घुस जा रहा है, तो 415 से ये भी होल्ड हो रहा है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर से ये भी होल्ड हो जा रहा है। ये टाइमर है इसका, जैसे सेकेंड कुछ लगा हुआ है इसका, तो फिर देखिए इसका दूसरा लाइन का हम बता दे रहा है, जो दूसरा ये लाइन है, ये जो येलो वायर है, तो ये से जब आउट होगा ये हम लोग का कन्वर्टर जो होता है बी का पैनल का, इस तरफ राइट साइड में मिलेगा। ये देखिए कन्वर्टर, ये जो HUG कन्वर्टर ऑन ऑफ जो स्विच है, इसका ऑन जैसे करेगा तो ये ऑन करने से सप्लाई जाएगा हम लोग का जो, ये देखिए कन्वर्टर जो कॉन्टेक्टर है H2 HK2, इसका NC में जाएगा, सॉरी इसका NO में जाएगा, इसका NO का लाइन यही है, ये वाला लाइन जैसे आउट होगा, यहाँ से लाइन आउट होने के बाद ये जाएगा फीडर 2 अर्थ लीकेज रिले में, जो H2K22, इसका NC में जाएगा ये वाला लाइन, इसका NC, तो यह से फिर यह से मीटर मार के हम नहीं दिखा पाएगा, वीडियो लंबा होते जा रहा है, तो यह से डायरेक्ट सप्लाई आउट होगा। आउट होने के बाद ये जाएगा हम लोग का जो DG HOG इंटरलॉकिंग कॉन्टेक्टर बी H2K08 का NC में, इसका NC यही है, देखिए इसका NC होते हुए नीचे की ओर बढ़ेगा, नीचे की ओर जाते, ये देखिए HOG AT जो सप्लाई है इसका डायरेक्ट इसका A1 में ऊपर की ओर घुस जाएगा, और यह से फिर डबल वायर है, इसमें डबल वायर है, यह से लूप उठा के इसका NO में लगा दिया, ये जैसे होल्ड होगा तो नीचे आएगा सप्लाई, नीचे से फिर ये होल्ड होने से क्या होगा, ये डायरेक्टली NO कंडीशन में है, ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, फिर यहाँ से कनेक्शन डायरेक्टली ये जाएगा ये हम लोग का HUG B जो है इसका A1 में ये वाला सप्लाई ये सिंगल जाएगा। तो आप लोग को बता दिया अभी इसका वायरिंग कैसे होता है, तो देख लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो वीडियो अंत तक देखिएगा तो अभी समझ में आएगा, दूसरा वीडियो और एक दिन वो RA मोड का बारे में भी बता देगा, और भी कोई जानकारी है वो भी बोल दीजिएगा, हम चेष्टा करेगा आप लोग को सिखाने का। ठीक है, थैंक यू।